अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सब कह रहे होंगे एक हफ्ते से कोई न्यू ब्लॉग नहीं मेरा आया। तो असल में हुआ यह था कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था, तो अभी थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगा। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी बॉडी में, मेरे चला फिरा नहीं जा रहा था। आज ऑफिस आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा काम शाम था वो कम्प्लीट किया, बस अभी चलते हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है घर, और फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो असल में इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आया। बस अभी घर चलते हैं और घर जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद अफ्तारी करेंगे, अफ्तारी के बाद जाएंगे बाज़ार, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो आज उम्मीद है कि चांद नज़र आ जाएगा, कल इंशाल्लाह ईद होगी। ये देखिए मैंने फूल तोड़े हैं जी। तो मैं अपनी टेस्ला पे बैठ गया हूँ और अब चलते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर पहुंच गया हूं। अब थोड़ी देर खेला हूं जुहान के साथ। जुहान अब मेरे सीने पे सर रख के सो गया है, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। बहुत मिस कर रहा था बाबा, इसका है नहीं था घर 3-4 दिन से, बहुत चिड़चिड़ा हुआ था। तो अब घर आए तो बहुत खुश है। अब देखें माशाल्लाह जी, इफ्तारी का टाइम हो गया, इफ्तारी तैयार हो गई है। हमने चना चाट बनाई है, साथ में पकौड़े रोल वगैरह भी बनाए हुए हैं। देखते हैं कि आज की इफ्तारी हमारी इस रमज़ान की आखिरी है या कल भी रोज़ा होगा। तो देखते हैं थोड़ी देर तक चाँद को। अभी बाज़ार के अंदर शॉपिंग कर ही रहे थे तो सायरन बजने लगे, पता चला जी चांद नज़र आ गया है। तो आप सबको चांद मुबारक हो, सुबह इंशाल्लाह ईद होगी। तो हर तरफ खुशियां खुशियां, एकदम बाज़ार में रश पड़ गया। ईद की नमाज़ के लिए तैयार होके हम लोग अब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और ईद की नमाज़ पढ़ के फिर बाज़ार वापसी आते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ हमजा, क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? भूख लगी हुई है, कुछ खिला दो। तो मामा बना रही है ना आपके लिए बिरयानी, खुद गई है मामा और पापा, कहते हैं आपको बिरयानी खिलाते हैं। तो अभी किचन में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जी, मामा और पापा दोनों मिलके हमारे लिए बिरयानी बना रहे हैं। सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो मामा ये देखिए माशाल्लाह से बिरयानी बनाना शुरू कर दी हम सबको जी। भूख लगी हुई है, दो देर रख रहा क्या चैन से हमें भूख लग गई है, क्योंकि अगर सैरी के अंदर उसने कुछ खाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम बिरयानी बना रहे हैं मिलकर मियाँ बीवी। जब तक बिरयानी तैयार होती है थोड़ा सा रेस्ट करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी बिरयानी तैयार होगी माशाल्लाह। आप पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के दस्तरखान पे हम लोग बिरयानी इंजॉय करते हैं ईद के दिन, और आप भी आ जाएं हमारे साथ बिरयानी खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनी हुई माशाल्लाह से ये देखें। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और बताना कि आपने इधर दिन क्या चीज़ बनाई थी खाने में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, लाइक और शेयर करना मत भुला करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में।